अभी दोनों बेबी मिला छोई छोई कर रहा है। ए बेबी आ छोई तो बेबी, छोई तो बेबी के बाद दीदी उठ जाइए, छोई तो बेबी मिला। छोटो बेबी मेरा छोटो, गुड मॉर्निंग वेली वेली, गुड मॉर्निंग मेरे छोको बेबी, मेरे छोना तू, मेरा बाबू तू, मेरा लड्डू तू, हाय मेरा लड्डू। आप ना उठिएगा दीदी, कृपा दीदी, कृपा दीदी। मैं वॉकिंग से आ चुकी हूँ और उसके बाद दोनों बाबू को मैं यहाँ उठा रही हूँ, मच्छरदानी फिर खोलूँगी। और मैं एक वीडियो का एंड की हूँ सुबह में ही, दूसरा मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, वॉकिंग जाने टाइम ही मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो, और जाने से पहले मैं वीडियो का एंड की थी। तो यहाँ मैं मच्छरदानी खोल लेती हूँ, मच्छरदानी आजकल लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं तो बिना मच्छरदानी की नींद नहीं आती है, बहुत मच्छर काटते हैं हम, और मच्छरदानी लगा लो तो चैन से सो सकते हैं, तो इस वजह से मच्छरदानी लगा लेती हूँ। तो दोनों को मैं उठा रही हूँ, दोनों ही कोई इधर पलट रही कोई उधर पलट रही, उठ नहीं रही है। और मैं जो रात को मैं हम लोग उठते हैं उसे मैं फोल्ड कर लूँगी, और वैक्सीन लगा है ना तो बहुत दर्द है हाथ में, बहुत ज़्यादा दर्द है, बता नहीं सकती हूँ मैं। और तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी दर्द की वजह से, 3 दिन तक लगातार दर्द रहा, इस वजह से बीच में मैं 2 दिन वीडियो ही शूट नहीं की, 2 या 3 दिन शायद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैं सुबह 5 बजे जग गई थी और 5 से 6:30 यानी कि 1.5 घंटा मैं वीडियो का काम की हूँ, और उसके बाद फिर आधा घंटा मैंने वॉकिंग किया, और फिर मैं अब घर के काम में लग गई हूँ। और मेरे पास मात्र 1.5 घंटा है, 1.5 से 2 घंटा है, इतने में सारा काम होना, नाश्ता भी बनना चाहिए और जो भी घर का काम है सारा होना चाहिए, संगवाना से लेके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, फिर क्योंकि बाबू लोग का क्लास होगा। तो यहाँ मैं सब्जी काटती हूँ, आलू मैंने उबाल लिया है, आलू और बंदा गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू उबला हुआ है तो सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आलू मैं उसी बीच उबाल करके रखती थी, तो और सब्ज़ी भी निकाल ली थी काटने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला सुबह में। मैं तो फिर क्योंकि वीडियो एडिट करने लगी, फिर थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी, तो 1.5 घंटा उसी में लग गया मुझे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी सब्जी, आलू और बंदा गोभी की सब्ज़ी और रोटी। उधर दूसरे साइड देखिए मैंने दूध रख दिया है गैस पे बाबू दोनों को देने के लिए, क्योंकि बाबू लोग उठ गई है और उठने के बाद ब्रश वगैरह कर लेती है, तो सबसे पहले मैं दूध दे देती हूँ दोनों को। तो मैं दूध दे रही हूँ, इधर सब्ज़ी भी मैं रख दूँगी गैस पर, सब्ज़ी भी बन जाएगा और फिर रोटी भी बनाना है मुझे, यानी कि सब्जी रोटी बनाने के बाद मैं सारा काम करने के बाद ही नहाऊंगी। तो यहाँ देखिए बंदा गोभी डाल दिए थे, बंदा गोभी जब भुन गया उसके बाद इसमें मैं आलू डाल दी हूँ, और मैं ना इसे थोड़ा सा भुना हुआ ही निकाल लूँगी पानी डालने से पहले, क्योंकि ये लोग सैंडविच के लिए बोल रहे कि मम्मा सैंडविच बनाइए, तो मैं अलग से फिर आलू नहीं उबालूँगी, अलग से मैं नहीं करूँगी, इसी को मैं उसमें सैंडविच में डाल दूँगी। तो इस वजह से मैं जब ये इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी, जब अच्छे से भून जाएगा सब कुछ डालने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा इसे मैं निकाल लूँगी सैंडविच के लिए। तो सैंडविच अभी बनाऊँगी मैं नहीं, मैं अभी बोली हूँ कि रोटी सब्ज़ी मैं अभी बना रही हूँ, रोटी सब्ज़ी अभी खाना है, सैंडविच मैं दोपहर में बना दूँगी। यहाँ पे मैं भुना हुआ निकाल ली हूँ सैंडविच के लिए, और उसके बाद फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया है, जो कि सब्जी हो जाएगी तो फिर रोटी के साथ खाने में सही रहेगा, ऐसे सूखा नहीं खाया जाता रोटी के साथ। और ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच। मैं बाबू लोग को बोली थी कि सुबह रोटी खा लो, उसके बाद दोपहर में मैं सैंडविच बना दूँगी। तो और मेरा सारा काम हो चुका है, देख सकते हैं बर्तन वर्तन भी रखा हुआ है उधर धुल करके, और फिर मैं यहाँ सैंडविच बना रही हूँ।
गुड आफ्टरनून। और अभी बाबू का जस्ट क्लास ख़त्म हुआ है और छोटी बाबू को भी मैं पढ़ा रही थी ना बेटा। मैं बताती हूँ बेटा, तो इसका भी होमवर्क मैं करवा रही थी और उसका क्लास ख़त्म भी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। वैक्सीन जो लगवाई हूँ ना तो हाँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे मेरा। तो क्या कहूँ मैं, फिर भी सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ। आज दूसरा दिन है वैक्सीन का, मतलब कल लगवाया था तो, और फर्स्ट डोज में तो मुझे पता भी नहीं चला, सेकेंड डोज में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट डोज में तो मुझे पता भी नहीं चला कब लगा कब नहीं लगा, मतलब क्या कहूँ। और ये हो सकता है लगाने का तरीका भी सीख लो कड़ी कि मुझे नहीं आता आप लिख दीजिए, तो मैं लिख दूँगी वो नहीं लिखेगी मैडम। तो टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने के लिए सुबह से, बाद में मिलती हूँ ना। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा देखती हूँ कुछ काम करती हूँ क्या करती हूँ। इतना देखिए बाबू लगाई है और ये देखिए मेरे पति देव में लगा रहे मेहंदी। अब मैं भी लगाऊंगी मम्मी, आप ना मुझे हाथ तक लगाना है, हाथ तक मुझे अच्छा लगता है उसमें। देखिए कैसा लग रहा है बीबी के हाथ में मेहंदी लगाना। मैंने इनसे पूछा कि बीबी के हाथ में मेहंदी लगाते हुए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं बोले, बहुत कम बोलते हैं वैसे भी। तो यहाँ सावन में मैं इस बार मेहंदी ही नहीं लगा पाई थी, बस आलस हो रहा था, आजकल आज लगा लूँगी कल लगा लूँगी यही हो रहा था, आजकल आजकल हो रहा था तो नहीं लगा पाई। और आज तो फिलहाल मेरे हाथ में दर्द है, इंजेक्शन लगा है उसकी वजह से, तो आज तो मुझसे लग ही नहीं पाएगा। तो बाबू को मैं बोल रही थी कि बेटा थोड़ा सा मेहंदी लगा दीजिए, तो बाबू लगा रही थी तो ये बोले हटिए मैं लगा दे मैं लगाता हूँ, बोले ठीक है लगा दीजिए। तो वह देखिए कैसा लगता है आप लोग को दिखाएंगे। और फिर मेरा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, इतना ज़्यादा मैं ये हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान थी। तो थोड़ा सा होता ना ध्यान भटकाने के लिए भी ये बोले कि ठीक है हम मेहंदी लगाएंगे ना, तो शायद इसका ध्यान भटका रहेगा, वहाँ से दर्द का एहसास ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा दर्द हो, इतना दर्द हो रहा था ना कि मैं आज जब मेहंदी लगवा रही हूँ उस दिन का बात बता रही हूँ कि उस दिन मैंने खाना नहीं बनाया था, तो चूड़ा दूध सब खा लिए थे, मैं भी चूड़ा दूध ही खा ली थी कि मुझसे खाना नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा दर्द था ना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मैं आकर के लेट गई, लेटा भी नहीं जा रहा था दर्द की वजह से। और अभी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी किस तरह से हो गया था, बिल्कुल रेड हो गया था और इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ गया था। अभी मैं दिखाती हूँ, ये फिर नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं लेटी हूँ दर्द की वजह से, तो दिखाती हूँ आप लोगों की कैसा हो गया। ये बोले कि बर्फ़ से सिकाई कर देते हैं इसका, तो देख सकते हैं पूरा रेड हो गया है कितना, और फिर स्वेलिंग आ चुका है इसमें।